ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 26 दिसंबर 2020, शनिवार का दिन है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। भरणी नामक नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। हालांकि राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्यक्रम संपन्न नहीं करना चाहिए। राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई स्थानों पर माना जाता है और कुछ स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, वहीं चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह भी मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, तुला, मकर और मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मान सम्मान के साथ साथ पद प्रतिष्ठा का उत्तम योग इनके लिए बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा रुका हुआ पैसा भी इनको अचानक प्राप्त हो सकता है। घर में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी तथा कोई नया सामान खरीदने के विषय में भी आप घर परिवार में विचार विमर्श कर सकते हैं, और एक नए पद की या बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता रखना आपकी प्राथमिकता रहेगी। और उपाय के रूप में भोजन के बाद लौंग खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दोस्तों के साथ बाहरी गतिविधियों में आज अधिकतम समय आपका व्यतीत होगा। आप अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएंगे। विद्यार्थियों को कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में आशातीत सफलता मिलने का योग है। अगर पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो निश्चित तौर से एक उपयुक्त स्थान इनको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के लेन देन में कुछ वाद विवाद की स्थिति बन रही है, इसलिए आपसी सहमति से उस समस्या का समाधान करने का आप प्रयास करेंगे। और पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में घर के मंदिर में मीठा दूध का भोग लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन की शुरुआत काम की अधिकता से होगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगी, परंतु उसके परिणाम भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। घूमने फिरने तथा मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा। ध्यान रखें कि पैसों के लेन देन में कोई गलती होने से नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से संबंधों में खराबी आने की आशंका है। मानसिक शांति व सुकून के लिए अध्यात्म व ध्यान का सहारा आपको लेना चाहिए। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में मेहंदी और हल्दी चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको जिन कार्यों में रुकावट आने से निराशा हो रही है, वे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर की साज सज्जा व सुधार संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा, वहां पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। आमदनी की जगह खर्च अधिक हो सकते हैं। किसी दोस्त की सलाह आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। किसी के साथ गलत लहजे में वार्तालाप करना आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय संबंधी कार्यों में भाग्य पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट करेगा। संपर्क सूत्र आपके मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों को
स्थान परिवर्तन या पदोन्नति से खुशखबरी मिल सकती है। उपाय के रूप में घर के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज का दिन नज़दीकी संबंधियों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत होगा, परंतु साथ ही लाभदायक विचार विमर्श भी होंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। परिवर्तन होगा, अत्यधिक खर्च होगा और सावधानी से आपको सभी काम को करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आपके सभी अटके हुए रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन अपने विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहें। व्यवसाय संबंधी कोई भी योजनाएं लीक होने से कोई उनका गलत फायदा उठा सकता है। तबादले के इच्छुक लोगों को शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज नज़दीकी लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात होगी तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर व एकाग्रचित रहेंगे। घर में किसी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति के आने से आस पड़ोस में आपका सम्मान बढ़ेगा। खर्चों की अधिकता से आपको आर्थिक परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। उधार पैसा यदि आपने दिया है तो वह अटक सकता है, रुक सकता है, इसलिए उधार पैसा देते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। मौज मस्ती की वजह से कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, परंतु आपके मानसिक सुकून के सामने यह परेशानियां नगण्य रहेगी। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। तंदुरुस्ती आपके शरीर में रहेगी तथा अपने काम को नया रूप देने के लिए ज़्यादा रचनात्मक तरीके आप अपनाएंगे। अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। ध्यान रखें कि किसी छोटी सी बात पर ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। कभी कभी आपको महसूस होगा कि परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंताएं आपको बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों पर भरोसा रखना, दोस्ताना व्यवहार उनकी कर्म क्षमता और आत्मबल को और अधिक बढ़ाएगा। उनके उचित योगदान से आप अपने व्यक्तिगत मामलों पर भी अधिक ध्यान दे पाएंगे। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने सहयोगी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नज़दीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। खर्चों के साथ साथ आमदनी में भी वृद्धि होगी, इसलिए आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानी का समाधान भी आपको मिल जाएगा। परिवार के किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें जो चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। आर्थिक उन्नति के लिए दिन उत्तम है। आय के नए नए स्रोत आपके बन सकते हैं। उपाय के रूप में मीठा दही भोजन के साथ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका कैसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इस समय निवेश संबंधी कार्यों पर अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल है। सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों में आपका जो है ओहदा बढ़ेगा। लोग आपको पसंद करेंगे, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नया काम, नई जिम्मेदारी, नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ध्यान रखें कि कोई भी महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। घर की उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे। उपाय के रूप में लाल कुमकुम देवी जी को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ लाभदायक तथा सम्मानजनक मुलाकात होगी। उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना और अधिक सामाजिक गतिविधियों में उपस्थित रहना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा।
रुके हुए काम पूरे होंगे और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में सरसों के तेल का दीपक यदि हनुमान जी के मंदिर में आप लगाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपके कार्यों में कुछ लोग व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आप परवाह न करके अपने मुताबिक काम करने का प्रयास करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कोई विशेष उपलब्धि मिलेगी, धन लाभ होगा, सम्मान आपको प्राप्त होगा, नया घर, नई जिम्मेदारी, नया वाहन आपको मिल सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु का उपयोग करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के बीच आपका समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है। ध्यान रखें कि घर की व्यस्तता की वजह से कोई काम आपके छूटे नहीं, अटके नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।